हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल ब्राइडल मेकओवर वीडियो, क्योंकि मैं अपने मामा की बेटी की शादी में गई थी तो मैंने उसका मेकओवर किया था। तो सबसे पहले उसकी स्किन में बहुत सारे हेयर थे, तो सबसे पहले मैंने रेजर से हेयर को क्लीन किया, इसके बाद मेकअप करना स्टार्ट किया। सबसे पहले फेशियल ऑयल से स्किन को अच्छे से प्रेप किया है, इसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, देन अब प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ कलर बार का। तो मैं प्रोडक्ट शो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और मैं ऐसी जगह सूट कर रही थी कि यहाँ एक CFL है, इसीलिए लाइट बहुत इधर उधर हो रही है। एक CFL के सामने मैं सूट कर रही हूँ, लोग आ जा रहे हैं तो थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो रही है। दिन थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे लगा कलर करेक्टर की ज़रूरत है वहाँ मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है, उसके बाद पीच कलर करेक्टर यूज़ करके सब अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ताकि स्किन इवन लगे। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो दो फाउंडेशन को मैंने मिक्स करके अप्लाई किया क्योंकि मैं सारा अपना सामान लेके गई थी, तो उसके स्किन टोन के हिसाब से मैंने मिक्स करके मिलानी का किया है और मामा अर्थ का एक फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके और इस तरह से अप्लाई करके ब्रश से पहले ब्लेंड करी हूँ, क्योंकि अगर आपको जल्दी है तो सबसे पहले आप ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद फिनिशिंग लुक देने के लिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैबिंग मोशन में ब्लेंड करिए तो काफ़ी नेचुरल फिनिशिंग आ जाएगी, नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके बाद में मैं इसका क्रीम कंटूर अप्लाई कर रही हूँ फेस मैं स्ट्रक्चर देने के लिए, इस तरह से पहले ड्रॉ करूँगी देन एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूँगी। तो टाइम देके ब्लेंड करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। तो बहुत ही फ्लॉलेस बेस बना था इसका, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। आप देखना लास्ट में कि कैसा मेकओवर हुआ है, क्योंकि विदाउट लाइट में मैं दिखा रही हूँ तो बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है, कहीं से कुछ भी फिल्टर नहीं है। तो इसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, इसको भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर के से डैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद मैं अप्लाई करी हूँ क्रीम ब्लश, तो थोड़ी क्वांटिटी में क्रीम ब्लश अप्लाई करके एक ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगी। तो क्रीम प्रोडक्ट को पहले अप्लाई करना है, उसके बाद पाउडर प्रोडक्ट पे काम करना है। तो ब्लेंड करने के बाद यहाँ लूज पाउडर ले रही हूँ, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, माउथ एरिया, फोरहेड पे अप्लाई करके इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी। तब तक ब्राउज को फिल कर लूँगी बेनिफिट के ब्रॉ पोमेड से, ब्राउज को फिल कर रही है एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से। इसका भी नेचुरल जो इसकी ब्राउज है वो ऑलरेडी इतनी अच्छी है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं थी, तो काफ़ी नेचुरल तरीके से मैंने इसकी फिलिंग की थी। इसके बाद पुली से कॉम करके अच्छे से सेट कर दिया है, फिर लूज पाउडर के एक्सेस को निकाल देना है। इसके बाद मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, पूरे फेस पे स्प्रे कर दूंगी ताकि जितना भी मेकअप अभी तक हुआ है अच्छे से सेट हो जाए, देन आई मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। तो एक ट्रांजिशन कलर लेके, लाइट ब्राउन कलर लेके आउटर वे पे और क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, तो बहुत अच्छे से शो नहीं कर पा रही, मैंने एक जगह कैमरा लगा दिया था। इसके बाद मैं मेकअप करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इतनी मतलब भीड़ भाड़ में और इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि मैं एक एक चीज़ अच्छे से शो कर पाऊँ। इसके बाद मैंने डार्कर कलर लिया, आउटर वे पे प्लेस किया, उसको भी अच्छे से ब्लेंड किया है, देन ब्लैक कलर लिया है, आउटर वी पे अप्लाई किया। तो ब्लैक कलर के साथ क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कलर लेके हमें डिपॉजिट करना होता है और ब्लेंड करना हो, एक साथ बहुत सारा कलर लेंगे तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। देन मैंने कंसीलर से हाफ कट क्रीज ड्रॉ किया है और इसको ब्लेंड करने के बाद इस पर मैं एक कलर अप्लाई करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट लेके नहीं गई थी, मैं हुडा ब्यूटी का ये पैलेट लेके गई थी, इसमें से मैंने ये मल्टी कलर वाला आई शेडो लिया है और इसमें सिमरी आई शेडो है और इसको मैंने अप्लाई किया, बहुत ही सुंदर कलर था, बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनिश लुक आ रहा था तो रेड पे ग्रीनिश का काफ़ी अच्छा लगता है। तो और देन इसके बाद ब्लैक कलर को इसके एक जो एजेस हैं उससे ब्लेंड कर दिया है और मिड में इस तरह से सेंटर में मैंने ग्लिटर गोल्डन ग्लिटर अप्लाई किया क्योंकि लहंगे में गोल्डन भी कलर था तो मैंने गोल्डन ग्लिटर अप्लाई कर दिया। देन आईलाइनर अप्लाई किया है, आईलाइनर अप्लाई करने के बाद जो मैंने यहाँ लूज पाउडर नीचे अप्लाई कर दिया था क्योंकि ग्लिटर वगैरह जो गिरे उसको डस्ट निकाल दिया। इसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, फेक आईलेसेस अप्लाई कर दिया है। फेक आईलेसेस लगाने के बाद मैं यहाँ वाइट काजल लगा रही, वाइट काजल लगाने के बाद आंखें थोड़ी सी ओपने पर और बड़ी दिखती है, मैंने लोअर लेस लाइट पे काम जो हुआ है उसको नहीं दिखाया है। और इसके बाद लास्ट में मैंने किया है क्रीम कंटूर को टॉपअप किया पाउडर कंटूर से ताकि फेस में एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आ जाए और फेस बिल्कुल वाइट वाइट ना दिखे और काफ़ी शार्प भी दिखे। नोज़ की भी कंटूरिंग कर दी, वैसे भी इसकी फीचर काफ़ी अच्छे हैं तो मेकअप इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने नोज़ की कंटूरिंग भी कर दी इस तरह से। देन ब्लश पाउडर ब्लश से क्रीम ब्लश को टॉप अप कर दिया है इस तरह से।
तो ब्लश इस तरह से मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा चिन और नोज टिप पे भी ब्लश अप्लाई किया है क्योंकि आजकल चिन और नोज टिप पे ब्लश लगाना काफ़ी ट्रेंड में है। दिन लिप लाइनर से लिप्स की आउटलाइन करूंगी, इसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी। तो लिपस्टिक आप रेड भी लगा सकती हैं, न्यूड भी लगा सकती हैं। मेरा मन था न्यूड, लेकिन गाँव में शादी थी तो गाँव में लोग न्यूड कलर की पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। लिपस्टिक कहते हैं ये क्या लगा दिया, ये तो पता ही नहीं चल रहा है लिपस्टिक, तो इसलिए मैंने रेड कलर चूज़ किया। रेड कलर की लिपस्टिक अभी मैं सबसे लास्ट पर लगाऊंगी। हाईलाइटर में अप्लाई कॉस्मेटिक बालम का, और इस तरह से हाईलाइट करूंगी फेस के हाई पॉइंट पे। सब हाईलाइटर अप्लाई कर दिया है। लास्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक रेड कलर की, जो कि है लॉरियल रॉक सिग्नेचर की रेड लिपस्टिक। बहुत अच्छी लिपस्टिक है। लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने एक बार मेकअप सेटिंग स्प्रे और डाला था। ये है इसका फिनिश फाइनल लुक। मैंने बीच में ही हेयर स्टाइल कंप्लीट कर दिया है, तो ये है इसका फिनिश फाइनल लुक। कैसी लग रही है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली इसका मेकअप लुक काफी पसंद आया था, और आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये इसकी साड़ी की शादी की क्लिप भी मैंने डाल दी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। तभी के लिए बस इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।